जनपद में रविवार को की गई साप्ताहिक बंदी का पुलिस ने कड़ाई से पालन करवाया। इस दौरान महानगर के सभी चौराहों पर बैरिकेडिंग किया गया तथा लोगों से बंदी का पालन करवाया गया। इस दौरान सभी मार्केट तथा चौराहों पर सन्नाटा पसरा रहा तथा जो लोग सड़कों पर निकल रहे थे उनसे पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तथा संतोषजनक उत्तर मिलने के बाद ही उनको जाने दिया तथा जो लोग बेवजह सड़कों पर घूम रहे थे उनके गाड़ियों का पुलिस ने चालान भी किया तथा लोगों से अपील किया कि बहुत आवश्यकता पर ही घर से बाहर निकले, संक्रमण को फैलने से रोकने में प्रशासन की मदद करें। इस अवसर पर रामगढ़ताल थाना प्रभारी जगत नारायण सिंह, फलमंडी चौकी प्रभारी अक्षय कुमार मिश्रा, पैडलेगंज चौकी प्रभारी कमलेश कुमार यादव सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP दिनेश कुमार पी ने कहा, मिट्टी में जा रहे हैं, कोई एक्सपायर हो गया है। कहाँ से दवा लेकर हाँ तो अनावश्यक रूप से आप लोग घूमिए टालिए मत, पूरा एहतियात बरती है। आपको मालूम हो कॉस्मेटिक की दुकान आ गई, आपको मालूम है आप बैठे कॉस्मेटिक की दुकान क्या हो गया? बहुत लॉकडाउन लगाया गया है, बहुत ज्यादा जरूरी है, पढ़ा लिखा हूँ
कैसे टहलना है आपको, और क्या टहलना है, वापस जाइए। देखिए आज संडे, कल रात 8 बजे से मंडे की सुबह 7 बजे तक पूर्णतया लॉकडाउन है, और यहाँ पे जनता की कोऑपरेशन भरपूर मिल रहा है। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 100% सक्सेसफुली हम लोगों ने न्यूनतम फोर्स डिप्लॉय करके हम लोगों ने लॉकडाउन इन्फोर्स कर पाया। यही अपील है कि हमारे अनुशासन हमारा जान बचाएगा। बाहर घर से तभी निकलिएगा जब बहुत ही ज़रूरी हो, निकलते वक्त मास्क ज़रूर पहनिएगा और मास्क सही तरीके से पहनिएगा, नाक और मुंह ढके रहना चाहिए, जिससे कि खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, अगर खुद संक्रमित है तो दूसरे को बचा सकते हैं। तो यही निवेदन है सभी पब्लिक से कि इस पूरा लॉकडाउन में और आने वाले समय में मास्क एनफोर्समेंट में कोऑपरेट करें। धन्यवाद।